हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा आई एस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास ट्वेल्थ हिंदी 100 मार्क के चैप्टर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो मेरे साथियों, सबसे पहले आपको इसके राइटर नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के राइटर जो है वो है मलिक मोहम्मद, उसके जो है ना इसके राइटर है मलियत जी। मलियत जी ने हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपके चैप्टर में आपके बुक में जितने भी चैप्टर है, चैप्टर नेम और राइटर नेम याद कर ही ले, क्योंकि इससे रिलेटेड 10 से 15 सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी वजह से आप इसको याद कर ले, या जिस टाइप से हो, अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास ट्वेल्थ हिंदी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इसके चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का ट्रिक आप देख करके, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी वजह से आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि मलियत की रचना नहीं है, कहते कि इनमें से कौन मलियत जी की रचना है, नहीं है। तो प्रथम ऑप्शन से आपके सामने न आने वाला कल, दूसरा है सदियों का संताप, तीसरा है बकलम खुद, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसके ऑप्शंस नीचे डाले हुए हैं। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, देखिए अगर आपने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेन एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर, या अंधेरों में, या पलायन में, या चुनौती को झेलने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि चुनौती को झेलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो क्या होगा आपके सामने ऑप्शंस है द्वंद्वात्मक, तीसरा है सहयोगात्मक, या चौथा है नकारात्मक या निषेधात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने ऑप्शंस है मोहन राकेश, दूसरा है मलियत, तीसरा है उदय प्रकाश, चौथा है अज्ञेयजीत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मलियत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलियत का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1935 में, या 1942 में, 1944 में, या 1936 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1935 ईस्वी में हुआ था मलियत जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलियत का मूल नाम था, क्या नाम था मलियत जी का, रमेश श्रीवास्तव, या भरत जी श्रीवास्तव, या सुधाकर श्रीवास्तव, या रामेश्वर श्रीवास्तव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलियत की है, कहते कि इनमें से कौन सी रचना मलियत जी की है, एक चादर मेली सी, या भीनी भीनी बीनी चदरिया, या कविता के साक्षात्कार, या मौत कुड़मा मुस्कुराई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कविता के साक्षात्कार, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलियत की नहीं है, आपके सामने ऑप्शन है जख्म पर धूल, या संवाद और एकालाप, या रामचंद्र शुक्ल, या सुनो राधिके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सुनो राधिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता संग्रह है क्या है, जख्म पर धूल, या रामचंद्र शुक्ल, या हंसते हुए मेरा अकेलापन, या कविता के साक्षात्कार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जख्म पर धूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है, तो क्या होगा, पत्र विद्या, या डायरी विद्या, या कथा विद्या, या जीवनी विद्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि डायरी है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ना, यह एक डायरी है, ध्यान से, यह एक डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है। यानी कि ये जो कथन दिया गया है कि हर आदमी उस संसार को
रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है, तो यह कथन किसका है? तो इसका आपके सामने ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद याज्ञ का, या मलयज का, या प्रेमचंद्र का। तो ये कथन जो है ना, ये मलयज जी का है। देखिए हमने इसका एक ट्रिक दिए थे कि कौन नहीं हंस सकता, यानी कि चैप्टर नेम राइटर नेम याद करने का, ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इसका हमने ट्रिक दिए थे कि कौन अच्छे से नहीं हो सकता है। जो मलेश टाइप का इंसान होगा, जो मलय मतलब मलेश टाइप का इंसान होगा, वो अच्छे से मतलब सबके सामने नहीं हंस सकता है, वो कहीं कोना में जाएगा और हंस सकता है। इसलिए हमने इसमें ट्रिक दिया है कि मलेच आदमी कभी हंस नहीं सकता है, इसलिए मलिया जो हमको सिर्फ याद करना है ना, हम किसी न किसी ट्रिक के सहारे हम याद कर लेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या होगा, भगत सिंह या मलयज या नामवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मलयज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो आपके सामने ऑप्शंस है निबंध डायरी या डायरी या लघु कथा या नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डायरी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है, यानी कि किसने लिखा है? तो मलयज होगा, या ओम प्रकाश बाल्मीकि, या नामवर सिंह, या जय कृष्णमूर्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मलयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयज किस दौड़ के कवि है? तो नई कविता के प्रारंभिक दौड़, या नवी कविता के अंतिम दौड़, या नवी कविता के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नई कविता के अंतिम दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो क्या होगा, रेल मंत्रालय, या वन मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय, या बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज का जन्म किस सन में हुआ था, यानी कि कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है, यानी कहते हैं इनमें से कौन सी मलयज जी के द्वारा लिखा गया आलोचना है? तो रस सिद्धांत, या भाषा विज्ञान, या कविता परिचय, या कविता के साक्षात्कार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि कविता के साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयज मन कूड़ा किसे कहते हैं? डायरी, या संस्मरण, या आत्मकथा, या रिपार्जात। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि डायरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता की अधूरी मानते हैं? कहते हैं कि मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? तो क्या होगा इसका, आत्मपरक कर्म, या रचनात्मक कर्म, या श्रेय कर्म, या प्रेय कर्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रचनात्मक कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयज का मूल नाम क्या था? तो क्या होगा, भरत जी श्रीवास्तव, या राम जी श्रीवास्तव, या राम सक्सेना, या त्रिलोकी नाथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? तो क्या होगा, घर बनाने के लिए, या ईंधन के लिए, या बेचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ईंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं संयत हूँ, पानी ठंडा किसके लिए कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लेखक ने स्वयं अपने लिए, या अपने मित्र के लिए, या अपने पिता के लिए, या अपने परिचित के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि लेखक ने स्वयं अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया? तो क्या होगा, काला, लाल, जर्द, या हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है? कहते लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है, अग्रि, या पानी, या धरती, या हवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला, बलभद्र ठाकुर, या बलभद्र शर्मा, या बलभद्र मिश्र, या बलभद्र मेहता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बलभद्र ठाकुर। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि सेब बेचने वाली लड़की आयु कितनी थी? कहते हैं कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी?
तो क्या होगा, 10 से 11 साल या 7-8 साल या 16-17 साल या 20-21 साल। तो मेरे साथियों, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।